हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आपकी ट्वीन प्रेगनेंसी की जैसे ही तीसरी तिमाही लगती है, वैसे ही आपसे बोलना स्टार्ट कर दिया जाता है कि आप बहुत ही ज्यादा बैठ बैठ के पोछा लगाएं, झाड़ू लगाएं, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सिंगल प्रेगनेंसी नहीं है, आपकी ये ट्विन्स प्रेगनेंसी है। सिंगल प्रेगनेंसी में पेट कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट ट्विन्स में पेट दुगना हो जाता है। तो आप ट्विन्स प्रेगनेंसी की तुलना सिंगल प्रेगनेंसी से बिल्कुल नहीं कर सकती है। आपको सबसे पहले ये बात जरूर समझनी है। ट्विन्स की अगर हम बात करें तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए झाड़ू पोछा का तरीका लास्ट टाइम पे नहीं अपनाना चाहिए। इसका रीजन होता है, जैसे जैसे आपकी टाइमिंग बढ़ेगी तो आप एक चीज नोटिस करेंगी, आपका उठना, बैठना, लेटना, खाना पीना, मतलब नॉर्मली ही रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जब आप बढ़ते टाइम पर पोछा लगाने की कोशिश करेंगी, वो भी स्पेशली उकरू बैठकर, तो सबसे पहली बात कि आप उकरू ही अच्छे से नहीं बैठ पाएंगी। दूसरी बात कि अगर आप बैठती भी हैं तो आपका पेट बहुत ज्यादा दबेगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको लास्ट टाइम पर पोछा नहीं लगाना है। आपको लास्ट टाइम पे झाड़ू लगा रही है तो आप कृपया करके खड़े होकर ही लगाएं। आप बैठकर और पेट को दबा के झाड़ू लगाने की कोशिश करती हैं तो इससे आप अपने बच्चे को मुसीबत में डाल देती हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए, आपका पेट दब रहा है, आपको ही रिलैक्स नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे सोच सकती हैं कि आपके दोनों बच्चे अंदर ठीक हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, आपको दूसरों की बातों में आके झाड़ू पोछा नहीं करना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको दिक्कत नहीं हो रही है, तब आप पोछा लगाएं, वो भी उकरू बैठकर। अगर आप देख रही हैं आप नहीं लगा पा रही हैं, फिर भी आप करे जा रही हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें। ट्विन्स प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना बहुत ही अच्छी बात होती है। एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को परेशान कर रही हैं, प्लस आप बच्चों को भी परेशान कर रही हैं। ट्विन्स प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में आप झाड़ू पोछा ना करके क्या करें, आप ज्यादा से ज्यादा टहलना स्टार्ट कर दें। आप जितना ज्यादा टहलती हैं लास्ट टाइम पे, तो उतने ही ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं आपकी बच्चेदानी का मुंह जल्दी से जल्दी खुलने के। और दूसरा तरीका है, आप चेयर लेके उकरू बैठें, फिर आप खड़े हो, फिर आप बैठें, ये वाली आप एक्सरसाइज करें। इससे भी आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और तीसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंडियन टॉयलेट का यूज करें, इससे भी आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ट्विन्स में नॉर्मल डिलीवरी के लिए सिर्फ झाड़ू पोछा ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी चीजों का होना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज बच्चे की पोजीशन, और आपके बच्चेदानी का मुंह कितना खुल रहा है, और आपका दर्द सही से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और आपके प्लासेंटा की पोजीशन कैसी है। तो ये बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। ट्विन्स प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में बॉडी को रिलैक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप पूरी कोशिश करें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स दें। झाड़ू पोछा से क्या होता है कि जैसे आप उकरू बैठती हैं तो आप नीचे को प्रेशर लगाती हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसके जल्दी से खुलने के चांस रहते हैं, और जो आपकी मसल्स होती हैं वो भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। आप थोड़ी देर तक उकरू बैठने का तरीका जरूर अपनाएं, आपको उतना ही फायदा मिलेगा, और टहलने से भी आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी गलती अक्सर करती हैं कि आप जबरदस्ती उकरू बैठ के लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा कपड़े धो रही हैं, वो भी नॉर्मल डिलीवरी की वजह से। तो आप ऐसी गलती भी ना करें। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो आप बिल्कुल वॉशिंग मशीन से कपड़े धोएं, और बिल्कुल सीधे खड़े होकर डायरेक्ट झुक के कपड़े नहीं धोने हैं। और आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है नॉर्मल डिलीवरी की वजह से कि आपको कोई दिक्कत हो, या फिर आपके बच्चे को कोई दिक्कत हो एंड आपके पेट पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़े। आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर आपका सी सेक्शन होगा, ये सबसे ज्यादा डिसाइड करेगा लास्ट मोमेंट पे क्या पोजीशन बनती है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। आपने अक्सर ये सुना भी होगा कि मैं पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रही लेकिन फिर भी मेरा सी सेक्शन हो गया। तो आप यहाँ से समझ सकती हैं, नॉर्मल डिलीवरी का सारा जो किस्सा होता है वो सिर्फ झाड़ू पोछा पर ही डिपेंड नहीं करता है, और स्पेशली ट्विन्स प्रेगनेंसी में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।